इलेवेंथ फिजिक्स ऑनलाइन द्वारा एक बालिका के द्वारा एक बात पूछी गई है, काइनेमैटिक्स में एंथ सेकंड में चलने वाला फॉर्मूला। तो आप इसके लिए पूरी डिटेल के साथ यहां देख लें और उस वीडियो को देखने का मतलब यह बनाएं कि अब आपको यह कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका है। ओके, डिस्टेंस मूव इन एंथ सेकंड, एंड इन एंथ सेकंड, इनिशियल स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर u हो और एक सेकंड हो गया, दो सेकंड हो गया, तीन सेकंड हो गया, और यहां से एनवा सेकंड एन सेकंड स्टार्ट हो, और एक सेकंड बाद फिर एन प्लस वन सेकंड स्टार्ट हो गया। सोचने वाली बात है, एक सेकंड का ही होगा ना, फिर दूसरा सेकंड भी एक सेकंड का ही होगा ना, अब तीसरा सेकंड भी एक सेकंड का होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चला, फिर उसके बाद एक सेकंड में कितना चला था, दूसरे सेकंड में कितना चला, ये जरा सोचिए। एस एन एनवे सेकंड में कितना चला, देखिए अगर हम सिक्स सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड 5 सेकंड पूरे होने के बाद छठा सेकंड स्टार्ट हो जाता है और एक सेकंड तक वो छठा सेकंड है, फिर सातवां सेवंथ स्टार्ट हो जाए, छठे सेकंड में कितना चला, शुरू से 6 सेकंड में कितना चला और शुरू से 5 सेकंड में कितना चला था उसे माइनस कर दो, तो छठे सेकंड की डिस्टेंस आ जाए। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दोबारा सुन लेते, डिस्टेंस मूव इन एंथ सेकंड, डिस्टेंस मूव इन एंथ सेकंड्स, नॉट एंथ एन, मान लो एन की वैल्यू होती है 6, छठे सेकंड का चला तो एन सेकंड 6 सेकंड में कितना चला टोटल, माइनस डिस्टेंस मूव इन एन माइनस 1 सेकंड। अगर 7वें सेकंड में कितना चला निकालना है तो टोटल 7 सेकंड की डिस्टेंस में से 6 सेकंड डिस्टेंस को माइनस कर दो, आ जाएगा 7वें सेकंड की चली डिस्टेंस, एनवे सेकंड की निकाल दी तो टोटल एन सेकंड की डिस्टेंस में से एन माइनस वन सेकंड डिस्टेंस को माइनस कर दो, एनवे सेकंड में कितना चला ये निकल जाएगा, वो ये कर दो। यू एस इक्वल टू यू टी, टी की जगह एन, एन सेकंड कितना चला, यू टी, टी की जगह एन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मींस एन, इतना तो चला वो कुल शुरू से एन सेकंड, एक्सेलरेशन ए यूनिफॉर्म, माइनस एन माइनस वन सेकंड में कितना चला, यू टी टी मीन्स एन माइनस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर, इट्स ओके, टोटल एन सेकंड की डिस्टेंस में से एन माइनस वन सेकंड डिस्टेंस को माइनस करना है ताकि एंथ सेकंड की डिस्टेंस हमारे सामने आ जाए। बोर्ड पे क्लियर है सब कुछ, इन दोनों में से u कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा n और माइनस यहां से बचेगा n माइनस, तो n प्लस वन हो जाएगा, वर्स माइनस होता, इन दोनों में से हाफ a कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा n स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, वर्स माइनस है हो जो खोल लो, माइनस n स्क्वायर माइनस वन, और जो माइनस में आएगा वो
प्लस टू। तो इस प्रकार से यहां देख लीजिए एस एन इज इक्वल टू एन एन का यू इंटू वन यू प्लस हाफ ए जिसका आंसर 12 माइनस। ये वो फॉर्मूला है जो एनवे सेकंड की डिस्टेंस को बताएगा आपको। और अब ढंग से मेरी बात सुन लीजिए आराम से। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन में क्या अंतर है? ये वाला फॉर्मूला ये है एन के जगह टी है। ये डिस्टेंस है पूरे पूरे टी सेकंड में कितना चला और ये डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर टी में सेकंड जो केवल एक सेकंड का में कितना चला। अगर मैं टी की वैल्यू 10 रख दूं 10 इसमें तो रिजल्ट आएगा कुल 10 सेकंड में कितना चला और मैं वो 10 इसमें रख दूं तो रिजल्ट आएगा कि 10वें सेकंड में कितना चला यानी कि 9 सेकंड पूरा करने के बाद अगले 1 सेकंड तक 10वें सेकंड में कितना चला वो जानकारी इस फॉर्मूले से। बिल्कुल इन दोनों फॉर्मूले डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हर बच्चे का रहना चाहिए। ओके मैं क्वेश्चन देता हूं उसमें कोई वेट कीजिए एक क्वेश्चन आपने ढूंढता हूं अगर तुरंत मिल गया ठीक है तो वीडियो को पॉज करूंगा। काइनेमैटिक्स मोशन स्टेट टाइम और ये रुकी दो मिनट ढूंढने टाइम लग सकता है तो अभी पॉज कर लेता हूँ। यस प्यारे बच्चों 27th क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें A body moving with a uniform acceleration describes 12 meter in third second, ना कि 3 second, third second of its motion and 20 meter in fifth second. Find the velocity after 10 second. 10 second उसकी speed क्या हो जाएगी? It has to be fine. तो ऐसे question जो हम करते हैं, उसके लिखना है पहले. Let u be the initial speed and a the uniform acceleration. Now, from ST is equal to U plus half A 2T minus 1, पहला केस बुक बंद होगी एक सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। ट्वेल्व मीटर थर्ड सेकंड अगर इसमें रखते हो टी की वैल्यू 3 तो थर्ड सेकंड डिस्टेंस से आने जा रही बंद एंड दूसरा कह रहा है वो
20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू पूछ रहा है 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपको चाहिए इसमें क्या इनका सॉल्यूशन, ताकि U और A निकल जाए और फर्स्ट इनिशियल स्पीड और एक्सीलरेशन का पता चलना हो, तो यह है कि सब कुछ हम निकाल सकते हैं। सॉल्व तुरंत माइनस कर दे, U घटेगा A निकल जाएगा और A के और किसी के पुट करके U निकल जाएगा, U और A निकल जाएगा तो काम हो गया सर। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, 20 माइनस 12 8, U माइनस U कैंसिल, दिस माइनस दिस हाफ ए कॉमन, पानी 10 माइनस 1 9, माइनस 2 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 1 9, माइनस 6 माइनस 1 5, ओके, और इट इज 4, 2 टू जा 4 एंड 2 4 8, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो एक्सीलरेशन है पहले बच्चों, ये वैल्यू रखना है इन दोनों में से किसी एक में। अब आपको बोर्ड में कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है ये चेक कर लें जरा, ठीक है इधर इधर आ जाएगा सर, यहां देखना पे फ्रॉम वन 12 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ और ए की वैल्यू आएगी 4 और 2 जा 6 माइनस 1 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 10, U इज इक्वल 12 माइनस 10 2 मीटर पर सेकंड। लो ये अब जो मर्जी पूछ वो जानना चाह रहा है स्पीड t इक्वल टू 10 सेकंड, V इज इक्वल टू U प्लस 8, U आ गया 2, एक्सीलरेशन आ गया 4 और 10 सेकंड स्पीड क्या हो जाए जानना चाह रहा है, 40 प्लस 2 42 मीटर पर सेकंड। अब उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। 42 मीटर पर सेकंड, इट्स ओके। और उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद 10-12 क्वेश्चन इस बेस पे निश्चित रूप से तुरंत करने, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, ओके।